हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल सिखा की रसोई में। आज मैं आपके साथ साबूदाना के अप्पे की वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने आधा कप साबूदाना लिया है। ये मोटे दाने वाला ही साबूदाना है जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, और थोड़ी सी मूँगफली ली है। पहले हम इन दोनों को भून लेते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी थी। अब इसमें हम साबूदाना और मूंगफली दोनों डाल देंगे और इसे हल्का भून लेंगे जिससे इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। इसे हम बीच बीच में चलाते हुए भुनेंगे। देखिए ये भुन गया है। अब इसे हम दूसरी प्लेट में निकाल के अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। साबूदाना और मूँगफली अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसे हम थोड़ा दरदरा ही पीस लेंगे। साबूदाने को मैंने थोड़ा दरदरा पीस लिया है। अब हम इसे एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम साबूदाना में डालने के लिए कच्चे आलू का पेस्ट तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने आधा चम्मच जीरा, 3-4 हरी मिर्च, ये आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, आधा इंच का टुकड़ा अदरक का, और एक आलू मैंने छिलकर पहले ही पानी में रख दिया था जिससे ये काले ना पड़े। इसे हम बारीक बारीक कट करके मिक्सर जार में डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसे बारीक पीस लेंगे। देखिए इसे मैंने बारीक पीस लिया है। अब इस पेस्ट को हम साबूदाना में डाल देंगे। और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। साबूदाना पानी ज़्यादा सोखता है। देखिए ये कुछ सूखा सूखा सा लग रहा है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है। अब इसे हम मिलाकर 10 से 15 मिनट इसे सेट होने के लिए रख देते हैं जिससे साबूदाना अच्छी तरह से फूल जाए। देखिए साबूदाना अच्छी तरह से फूल गया है और ये पेस्ट भी सूखा हो गया है। अब हम इसमें पानी डालकर, इसके लिए मुझे 1.5 कप पानी लगा है। जिस कप से मैंने साबूदाना लिया था उसी कप से हमें इसमें 1.5 कप पानी लगा है। अब हम इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती ऐड कर देंगे, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और सेंधा नमक जो हम व्रत में खाते हैं। हमें ऐसा ही बैटर अप्पे बनाने के लिए चाहिए। इसके लिए मैंने अप्पे पैन गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया था। पैन गर्म हो गया है। अब हम इसमें तेल लगा लेंगे, साबूदाना का बैटर डाल देंगे। सभी में मैंने साबूदाना का बैटर डाल दिया है। अब इसे हम थोड़ी देर ढककर रख देंगे। ये एक तरफ से सिक गया है। अब इसे हम पलट देंगे। अब इसे हम फिर से थोड़ी देर ढककर रख देंगे और दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक जाने देंगे। देखिए ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक गया है। ये काफ़ी क्रिस्पी हो गया है। साबूदाना का अप्पे तैयार है। आप इसे दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। उसके लिए मैंने एक तवा लिया है, उस पर मैंने मूंगफली का तेल लगा दिया है। अगर आप व्रत में मूंगफली का तेल नहीं खाते हैं तो आप इसे भी इसे बना सकते हैं। साबूदाने के बैटर को मैंने तवे पर फैला दिया है। अब इसे हम दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे। इसे भी हमें दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। आप दोनों तरह से इसे बना सकते हैं। ये दोनों तरीके से काफ़ी टेस्टी लगता है। आप इसे ब्रेकफास्ट या स्नैक्स किसी रूप में भी ले सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। थैंक यू।